टडे संडे को तो भाई काफी भीड़ रहेगा यहाँ, झूले सजे हुए यहाँ पे, छोटे प्यारा लग रहा है ये वाला, इतना प्यारा लग रहा है ये वाला लाइट यार, आसमान क्या शानदार सा दिख रहा है ये। हे गाइस, वेलकम बैक व्लॉग्स राउंड पे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सेक्टर 10 आप लोगों को यहाँ का पंडाल दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत पंडाल सजा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पे दो पंडाल होते हैं, तो पहला पंडाल आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। गाइस, तो यहाँ पे दूसरा पंडाल है, लेकिन पहला यही समझ लो, सबसे बड़ा पंडाल तो यही है, दूसरा ये है कि जो यहाँ पे झूले लगे हुए, आसमानी झूला, और सब यहीं से होते हुए आते हैं। हम लोग अपनी जो बाइक है ना वो पीछे रखे हुए, क्योंकि यहाँ पे ना बाइक पार्किंग का 20 रुपये चार्ज ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। 10 रुपये लेते तो समझ में भी आता। ये देखो भाई क्या शानदार सा दिख रहा है। फर्स्ट डे में आया हुआ था आप लोगों को यहाँ का पूरा माहौल दिखाने के लिए, लेकिन उस दिन इक्का दुक्का ही लोग नज़र आए थे, और आज देखो क्या जबरदस्त माहौल है भाई। लाइटिंग भी लाइटिंग है चारों तरफ, और यहाँ पे ब्रेक डांस भी है, और आगे में है पंडाल, यहाँ पे बॉल मार भी चल रहा है, भाई लोग बॉल मार खेल रहे हैं, और ये फंसाने वाला है इनामी। यहाँ पे टैडी वगैरह भी मिल जाएंगे आप लोगों को बढ़िया सा, अगर आप जीत जाते हैं तो। माने जो लोग तो देख ही रहे हैं, ये देखो मन पसंद। बारिश 2 घंटे हो गए रुके हैं, तब जाकर लोग घर से बाहर निकल रहे गणपति महाराज जी का दर्शन करने के लिए। एंट्री गेट यहाँ सामने से ही है, हम लोग तो पीछे तरफ से एंट्री लिए हैं, और आगे में टोरा टोरी भी है। ये है गाइस पंडाल, ये देखो बहुत प्यारा सा पंडाल है। थोड़ा दूर से आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ ये पंडाल, ताकि आपको समझ में भी आए। तो पिछले दफ़ा जब आया था तो यहीं से एंट्री लिया हुआ था, उस समय तो कुछ था नहीं, तो अपना जो बाइक चार्जर्स है वो लगा भी नहीं था। देखो यहाँ से नज़ारे क्या शानदार सा दिख रहा है। ये मानी झूला भी है, और इस साइड में टोरा टोरी लगा हुआ है, और यहाँ पे पान भी मिल जा रहे हैं भाई, रंग बिरंगे पान। देखो सब मुझे ही देख रहे हैं, यहाँ पे गाने बजाने स्टार्ट होने वाले लगता है, तो जूते चप्पल अपने को बाहर में छोड़ने पड़े। यहाँ पे गाने बजाने भी चालू हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को पंडाल दिखला देता हूँ जाते। तो अभी आप लोगों को मैं गणपति महाराज जी का दर्शन कराया है, अब हम लोग दूसरे पंडाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाने बजाने चालू कर दिए भाई साहब, YouTube चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो भाई वो फटाफट दूसरा पंडाल भी दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश फिर से स्टार्ट हो सकती है, छींटे गिर रहे हैं हल्के हल्के, क्योंकि अंकल आंटी सब आए हुए हैं भाई, कि यही मौका होता है घूमने फिरने का। एक तो नवरात्रि और दूसरा गणेश चतुर्थी, और ये जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो इतना सन्नाटा पसड़ जाता है कि मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे दूसरा पंडाल पे हम जा रहे हैं, और हमारे सब्सक्राइबर मिलते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा हूँ, क्योंकि अभी रात के कितने बज रहे पता है, 11 बज रहे हैं। उस बार भी मैं आया था ना, रात के 11 बज रहे थे, और देखो लाइटिंग कितना खूबसूरत सा सजा हुआ है यार, बेहतरीन सजा हुआ है, इसमें पता चलेगा आप लोगों को। वाइट एंगल में ना थोड़ा सा धुंधला दिखता है, देख लो पूरे दुकानें सब सजे हुए हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब दुकानें जो हैं सज चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा चहल पहल भी है बढ़िया सा, और ये देखो यहाँ पे पूरे शॉप लग चुके लग रहा है, पूरे तो नहीं लगे, आधे अधूरे लग चुके हैं। तो चलो चलते हैं, और ये वाला पंडाल भी जो है ना ब्लू कलर में है, तो पता नहीं कैसे नज़र आएगा, ब्लू ही ब्लू चल रहा है भाई आजकल तो पंडालों में। और ये पूरी मार्केट सजी हुई है ये देखो इस तरह से, और यहाँ भी आसमानी झूला है। ये वाला जो झूला है ना काफ़ी व्यस्त रहता है, इससे पहले वाला जो झूला दिखाया था ना वहाँ भी लोग रहते हैं लेकिन थोड़ा कम रहते हैं। अब ये वाइट एंगल में देखो भाई क्या भीड़ है भाई साहब, सैटरडे संडे को तो भाई काफ़ी भीड़ रहेगा यहाँ पे। उस दिन आप देख लीजिएगा, अगर भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है तो सैटरडे संडे छोड़ के बाकी किसी भी दिन आप आ सकते हैं, क्राउड तो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। और ये रहा ब्लू पंडाल, ये सेक्टर 10 का फेमस पंडाल है, भी शानदार दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर आसमानी झूला नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया सा। तो हमारे सब्सक्राइबर यहाँ भी मिले थे लेकिन मैं वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि इतने सारे लोग मिल रहे हैं, किसको किसको लूँ किसको ना लूँ, जो नहीं लूँगा फिर नाराज हो जाएंगे हमारे मित्र लोग। चलो हम पंडाल के अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं पंडाल बाहर से निकला दूंगा, और यहाँ पे पुरुष लोगों का प्रवेश द्वार है। अपन ये झूला सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। पंडाल देखो यार क्या बेहतरीन बना हुआ है पंडाल, अभी खाली है पानी गिरने की वजह से, नहीं तो भाई क्या ही क्राउड रहता, जबरदस्त क्राउड रहता। गाइस तो भी हम प्रवेश करने वाले हैं अंदर में, लोगों को अंदर से पूरा पंडाल दिखाएंगे, हालांकि ब्लू होने की वजह से प्रॉपर दिखता तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे दिखाते हैं भाई साहब।
बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। आप जब आओगे ना तो बहुत रियल आंखों से देखिएगा। देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से पूरे लाइटिंग दिए गए हैं जो हल्की हल्की नजर आती है अपने कैमरे में। यहाँ पे जो गणपति महाराज जी है, यहाँ पे 25 मुखी गणपति महाराज जी है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा सजा के रखे हुए है, बहुत ही प्यारा। तो आप लोगों को मैं पास से दर्शन कराता हूँ। बहुत ही ज्यादा प्यारा ये पंडाल है भाई, स्वयं आकर ही देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो में तो उतना दिखता ही नहीं है भाई साहब। तो अभी हम मेला सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे मित्र लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। झूले सजे हुए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोगों के लिए हैं। माहौल थोड़ा सा फीका पड़ गया है, ये टोरा टोरी इसमें बैठने का मन करता है लेकिन भाई चक्कर आ जाती है मेरे को। ये देखो ये जबरदस्त लग रहा है यार। इसमें लाइटिंग इतना खासा दिया गया है ना कि क्या ही बोलूं मैं। लाइटिंग देते तो मजा भी आता है। और यहाँ पे ड्रैगन वाला, यहाँ पे ड्रैगन वाला है, फिलहाल अभी चालू नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे लोग शोर शराबा कर रहे हैं। इसका भी कॉस्ट है 50 रुपये आसमानी झूले का। और ये रहा भाई ब्रेक डांस, जहाँ पे लोग ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, क्या बात है। तो ये हेलीकॉप्टर वाला छोटे छोटे बच्चों के लिए है, बहुत प्यारा लग रहा है। सही है यार। और यहाँ पे डोंगा वाला भी है। यही सब झूले हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं झूलने के लिए। और सैटरडे संडे को अच्छा खासा माहौल रहेगा तो देखते हैं, उस समय आने का मन कर गया तो आ जाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो। नहीं तो फिर कहीं और चलेंगे, कहीं और पंडाल का खूबसूरती दिखाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे में मेला लगा है, यानी कि मार्केट सजी हुई है, जो आप लोगों को हम दिखा देते हैं कौन कौन से यहाँ पे शॉप लगे हुए हैं। और गाइस यहाँ पर है, अच्छा मोबाइल कवर मिल रहा है यहाँ पे, बढ़िया यार। मोबाइल कवर 10 रुपये 50 रुपये मिल जा रहे हैं, और क्या ही चाहिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ते ही जा रहा है यहाँ। यहीं से हम अंदर गए हुए थे, अभी हम आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट दिखला देते हैं। हर माल 10 रुपये में यहाँ पे दिया। फिर से पंडाल देखिए, बाहर से लोग आते ही जा रहे हैं, रात्रि हो चुकी है। उसके बावजूद भी है कि यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें सब सजे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आइसक्रीम की दुकानें हैं। और ये देखो यहाँ पे मिल जा रहा है चूड़ी कंगन, काफ़ी सारे चूड़ी कंगन हैं। जलेबी मिल जा रहे हैं, जलेबी रबड़ी भी है भाई इनके पास में। ये देखो और पूरा कीचड़ कीचड़ है, ये देखो तो देख समझ के आइएगा। और यहाँ पे बॉम्बे मिठाई भी मिल जा रहे हैं, गुपचुप सेंटर है, आलू चाट है। और ये बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे हैं जो घर सजाने लायक है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पूजा सामग्री की दुकान भी है, यहाँ पे नंदी भी है, ये देखो नंदी, प्यारा लग रहा है। सही है यार, ये मेला में ये सब चीज़ें होते हैं देखने योग्य। और यहाँ पे श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर ये भी खुल चुका है, श्रीनाथ जी। यहाँ पे क्या मिल जा रहा है भाई, कोल्ड कॉफ़ी मिल जा रही है यहाँ पे। और ये चाबी छिल्ला, चाबी की रिंग है ये। उसके बाद कुर्ती वगैरह है, काफ़ी सारे यहाँ पे कुर्ती की दुकान है। और यहाँ पे मैं देख रहा था आदिवासी तेल, लेकिन आदिवासी जो तेल है ना, ये मेरे को फ्रॉड लग रहा था, क्योंकि उनके नाम से ना बहुत सारे लोग ना डॉले लगा के बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रियल है ना, वो 500 रुपये में दो देते हैं और ये 500 रुपये में एक दे रहे थे, इसलिए मैं लिया नहीं। और बाकी नज़ारे देख लो, पूरे मार्केट आप लोगों को मैं घूम के दिखला रहा हूँ। और ये पकौड़े वाला लेके गया, अच्छा ये अगरबत्ती के हैं, चंदन है, बढ़िया है यार, सब नकली रहते हैं, चंदन वंदन कोई असली थोड़ी ना होता है।
यहाँ पे वही माले के टॉप है और यहाँ पे जूती मिल जा रहे हैं एक से बढ़कर एक। देख लो कोई पसंद आ रहा हो तो खरीदारी आकर कर सकते हैं आप लोग, बाकी कुछ लोग तो खरीदारी कर ही रहे हैं। एक चीज़ आती है भाई मेला में, एक से एक दुकान देखने को मिलता है अपने को। बाकी सेम इसी तरह की है, कुर्ती का है वही, कान की इयररिंग वगैरह, माला चूड़ी सब इसी तरह से ही हैं, कुछ यूनिक। अच्छा ये है यूनिक भाई, यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है यार, बिना पानी के मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसी चाहिए भाई अपने को एसी। तो यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, मैं सोचा ये लाइट दिखा देता हूँ जाते जाते, इतना प्यारा लग रहा है वाला लाइट यार, मन कर रहा है इसको घर ले जा लो, सब जबरदस्त सजा हुआ है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया ब्लॉग पे।